अस्सलाम वालेकुम। आज 27 सितंबर है, वर्ल्ड टूरिज्म डे, और हम लोग मौजूद हैं, हम ख्यालों का ग्रुप आईबैक्स ग्लोबल टूर्स के फ्लैग के अंडर तंजौर शहर में। हम तंजौर जिसको बोलते हैं, हमने अभी सिटी डिस्कवर की है और अपने मुर्शिद इब्ने बतूता के मज़ार की ज़ियारत की थी। मज़ार का दरवाज़ा बंद था, गवर्नमेंट की तरफ से वो ओपन नहीं कर रहे थे। मुतवल्ली वहाँ पे मौजूद था, लेकिन जब गवर्नमेंट का आर्डर होता है तो वो खोलते नहीं है। बाहर से हमने यानी कि फतेह खाने किए पूरे ग्रुप ने, और खुशकिस्मती थी हमारी कि यहाँ तक पहुँच सके और तंजौर को डिस्कवर कर सके। हमारी एक ही नाइट की स्टे है यहाँ पे, और कल सुबह हमने रबात के लिए निकल जाना है। तो जितना हम डिस्कवर कर सकते थे, यानी कि हम यहाँ पर पहुँचे तकरीबन 2:30 बजे, और टाइम हमारे पास कम था। जिन लोगों को मॉल्स विज़िट करनी थी उनको हम मॉल्स पे लेकर गए, दो ग्रुपों में हमने ग्रुप को स्प्लिट कर दिया, और जो हमारी तरह थे तारीखी पॉइंट्स डिस्कवर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इनका कस्बा ये किले को बोलते हैं फ्रेंच कॉलोनीज का, तो वो किला हमने विज़िट किया, और पुरानी फ्रेंच म्यूज़ियम जो किले थे जिनको अब म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है, और इब्ने बतूता के मज़ार, उनका घर, तक हम मज़ार अंदर से विज़िट ना कर सके लेकिन बाहर से फतेह खानी करी। फतेह खानी के बाद फिर वो स्ट्रीट्स हमने सारी घूमी जहाँ पर इब्ने बतूता घुमा करते थे। अब ग्रुप के कुछ साथी यानी कि मॉल्स में हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, और कुछ मेरे जैसे होते हैं जिनको शॉपिंग से और मॉल से कोई दिलचस्पी नहीं होती ख़ास, और इस वक्त शाम का टाइम होने वाला है और आप देख रहे होंगे लाइट्स जल उठी हैं। तो ये तंजौर का साहिल है, सी पोर्ट है यहाँ पे दूसरी साइड पे, और पीछे आपको कुछ रोशनियाँ नज़र आ रही होंगी। तो ये इसमें एक तो ये सारा स्पेन का कोस्टल एरिया है, तरीफा के नाम से एक बंदरगाह है स्पेन की, छोटी सी बंदरगाह है जिस तरह के ये तंजौर का शहर है यानी क्योंकि, लेकिन वो पीछे नौशनियाँ जो नज़र आ रही हैं आपकी वो उसी की हैं। और जिब्राल्टर ये स्ट्रेट के एंड पे जो पहाड़ियाँ हैं वो जिब्राल्टर है, जबल तारिक जिसको बोला जाता है, जहाँ पे तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियाँ जला के जो है ना स्पेन में पेशकदमी की थी। और ये जो पीछे आपको पहाड़ी नज़र आ रही है, ये वो पॉइंट है जहाँ से यहाँ के मराको के गवर्नर मूसा बिन नसीर ने तारिक बिन ज़ियाद को यहाँ से अलविदा कहा था, तो यहाँ से वो कश्तियों में बैठ कर गए थे। तो आज वर्ल्ड टूरिज़म डे, जो हमारी तरह दायमी सयाह हैं उन सबको मुबारक हो, और कुछ ना कुछ आप शेयर किया करें यानी कि इस डे की मुनासबत से। मैंने कुछ तस्वीरें शेयर की यानी कि, और आज 27 के दिन, तो 2 साल पहले 27 सितंबर को हम तुर्की में थे, तो वहाँ से मैंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी, जो सोशल मीडिया में अभी नोटिफिकेशन आ गया था सुबह कि आप तुर्की में थे, तो इसलिए मैं इस तारीख पे जो है ना इब्ने बतूता के मज़ार की तस्वीर मैंने शेयर की है। आप लोग देखें उसको यानी कि, और इंजॉय करें उसको, तस्वीरें देखें, और बाकी जो तस्वीरें हम वो भी हम अपलोड करेंगे। नेटवर्क का थोड़ा मसला होता है क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली ट्रैवल में हैं, तो जहाँ पे वाईफाई मिलता है यानी कि नेटवर्क होता है तो हम अपलोड कर देते हैं। आपको भी अगर मौका मिले ज़िंदगी में तो ये लाइफ टाइम एक तजर्बा है मराको विज़िट करने का, तो आप विज़िट करें लाजमी, और इब्ने बतूता के मज़ार पर आएँ, वो विज़िट करें, वहाँ पर फतेह खानी करें। मराको बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत सारी मिथ्स हैं इसके बारे में जो आपने देखी होंगी डॉक्यूमेंट्रीज़ में, और किताबें पढ़ी होंगी आपने, कॉलम्स पढ़े होंगे उनके, लेकिन अगर आप यहाँ पे आएंगे तो वो मिथ्स जो है ना वो बिल्कुल, आप कहेंगे कि वो डॉक्यूमेंट्रीज तो सारी फेक थी यानी कि। तो मराको बहुत खूबसूरत शहर है यानी कि, इस वक्त यहाँ पे यानी कि बहुत प्लेजेंट मौसम है, रात को 14 और 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक यानी कि आ जाता है, यानी कि ठंड लगती है रात को यानी कि,
तो आजकल ये तकरीबन ऐसे समझ लें सितंबर से मार्च तक बहुत बेहतरीन मौसम होता है मोरक्को विज़िट करने का। वैसे फिर थोड़ी गर्मी होती है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ के लोग या तो अरेबिक बोलते हैं या फिर फ्रेंच ज़्यादा बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, वो कोई मसला नहीं होता। आप आए यहाँ पे ग्रुप टूरिज्म, ग्रुप के साथ अगर टूरिज्म आपने करनी है तो ग्रुप टूर लें आप, या फिर ख़ुद भी आ सकते हैं आप, विज़िट करें। एक ही लाइफ है इंसान के पास, उसमें आप जितने विज़िट कर सकते हैं, यानी कि जितने मुल्क, यानी कि जितने वो किया करें, यानी कि अस्सलाम वालेकुम।